कह रही हूँ मीडिया वाले बैठे हैं और मैं आगे की लाइन भूल गई, क्या है? आगे की लाइन ये थी कि आपको मीडिया के बारे में बताना था। ओह यस यस, पर फिर भी मैं भूल गई। सॉरी। आज आज क्या हो गया है ना, इसकी इसकी इसका जो है वो साया पड़ गया है मेरे ऊपर और मैं बहुत ही, मैं खुद ही एक साया हूँ, दिख नहीं रहा। वही तो, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती ना कि तू मेरे ऊपर पड़ गया। पर हाँ, मीडिया की अगर बात करें, देखो मीडिया की बात छोड़ो, मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है? गुजराती छो, गुजराती। ओह, एक गुजराती की फोटो नोट पे है और एक गुजराती देश चला रहा है। हाँ तो ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है, मतलब इसका प्राइड गुजरातियों को होना चाहिए, है कि नहीं? तो तू जाना अपने देश वेस्ट इंडीज फेंके हुए क्रिस गेल, गौर से देखिए इस इंसान की शक्ल को, ऐसा लगता है डांबर पे चश्मा पड़ा है। ए, क्या बोल रही है यार, मैं हैंडसम हूँ, मेरी आंखें देख कितनी मस्त है, कितनी प्यारी है। प्यारी है इसकी आंखें, प्यारी है। एक मिनट दिखा। नहीं, प्यारी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। तेरी आंखें प्यारी नहीं है, तेरी आंखें भयानक है, ऐसा लगता है कि मेंढक को अभी फांसी से उतारा गया है। यार मेरे बारे में छोड़ना यार, मीडिया के बारे में बात करते हैं ना हम। क्या? अरे कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा के बारे में। ओह हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपस में नहीं लड़ना है, सामने वाले की खिंचाई करनी है, तो ठीक है। अरे मैम आपने स्कर्ट पहनी है, चलो ठीक है। मीडिया वाले और अंपायर, ये दोनों में समानता है। क्या मतलब? दोनों का कुछ काम नहीं होता, बेवक्त उंगली करते रहते हैं। पर यार मुझे मीडिया के साथ एक कन्फेशन करना है। जैसे कि? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ है ना धोखा हुआ है। कैसा धोखा? अमृता मेरी पार्टनर होगी ऐसा बोला गया, मुझे लगा अमृता राव होगी, अमृता अरोरा होगी, अमृता खानवेलकर मुझे मिली यार, ऐसा लगता है चीज के जगह पे फटा हुआ दूध दे दिया। अबे फटा हुआ दूध किसको कह रहा है? नहीं, इन दोनों अमृता से तो मेरा करियर बेटर ही चल रहा है, सुपर हिट शो पे मैं हूं। तो भाई फटा हुआ दूध, काले कलूटे, ये 10 रुपए के रिचार्ज के लिए ना मेरे से बद्दे और काले लड़के के साथ पड़ जाएगी, ऐसी औरत है ये। और ये मीडिया वाले क्या होते हैं यार, वो लोग न्यूज चैनल पे ऐसे छे छे खिड़कियां खोल के बैठ जाते हैं, छह छह अलग अलग लोग होते हैं जो एक टॉपिक को लेके बहस करते हैं, मेरे घर जैसी फीलिंग आती है। घर जैसी मतलब? हाँ मैं जो चौल में रहता हूँ ना उसमें भी औरतें ऐसे खिड़की के बाहर मुंह डाल के बोलती है कि यार तेरे घर पे पानी आया कि नहीं, हाँ मेरे घर पे आया, तेरे घर पे आया कि नहीं, उनकी बात में लॉजिक होता है। ठीक है, तू बहुत इलॉजिकल बात कर रहा है भाई। आज हमारा पहला दिन है, ये मीडिया वाले है, इतनी सुपरहिट जोड़िया यहाँ पे बैठी है, क्या लगता है हम टिक पाएंगे? अरे जमा देंगे। मतलब? अरे यार अब असली टैलेंट की पहचान होगी, वरना ये भोजपुरी नेवला। अच्छा कृष्णा,